अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप जी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो अज की वीडियो के असं डिस्कस करा कि जिवें कि तुहानू पता है 16 तरीक न जिहड़ा ETT का पैनल है वो फिर तो एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिए ओपन हो रहा है। सो ये इस बार फॉर्म के चेंजेस होने, चेंजेस की होने उसी के रिगार्डिंग मैं तुहानू इत्थे दसूंगा कि वह चेंजेस होने हैं। फिलहाल हले तक अज रात को मैं वीडियो बना रहा है 15 तरीक न, तुसीं जल देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन हले तक क्लोज ही है। तो नियर अबाउट कल 9-10 बजे इन्हों का जो लिंक है इनेबल करोगे, तो इनेबल करने तो बाद इतने क्लिक हेयर टू रजिस्टर आऊगा। लेकिन जोड़ा ऑनलाइन फॉर्म तुम्हें फिल करना जी इंपॉर्टेंट चीज़ सब तो वो की है, जोड़े नवे कैंडीडेट्स ने यह फॉर्म फिल करना है। देखो जी, काफ़ी ज़्यादा कैंडीडेट्स के एक फॉर्म के गलती हो गई है। पहले मैं थोड़ी गलती तुम्हें एक्सप्लेन कर देना। गलती की है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडीडेट्स की पहले तो फोटो अपलोड नहीं हुई पी है, अटैसटड सैल्फ अटैसटड। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते कि वो सानू फोटो चाहिए। देखो फ्रेंड्स, वो फोटो इन्नी जरूरी नहीं है, बेशक उन्होंने लिखा हुआ चलो हूँ नहीं अपडेट होंगी तो मेल भी पाई है वो भी ढी फोटो फिलहाल ठीक है, कोई इदा की मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी जी गलती हुई भी काफ़ी ज़्यादा सिक्ख्या प्रोवाइडर्स वॉलंटियर्स की, सिक्ख्या प्रोवाइडर वॉलंटियर होंगे हुए भी उन्होंने उत्थे नो फिल किया जबकि उन्होंने यस करना सी, बाकी डिटेल्स उन्हें नो करना सी, वो भी काफ़ी कैंडीडेट्स ही हुई है। पर हुण जिहड़ा नवा ऑप्शन ऐड होना इन्हों के फॉर्म के विच की है मैं तुहानू पहले ही एक्सप्लेन कर दिंदा। अते लास्ट वीडियो के विच मैं तुहानू एक इंपोर्टेंट चीज़ दसूँगा रिगार्डिंग ETT फॉर्म, जरूर सुनियो, जरूरी है ढंग नहीं जानना। अगर वो तुसी नहीं किया हो सकता तुहाडे फॉर्म के विच इन फ्यूचर करैक्शन ना होए, तो चलो देखते हैं नवी चीज़ की गल करते हैं। नवी अपडेशन जी फॉर्म के विच वह है जी सिक्ख्या प्रोवाइडर वॉलंटियर। जिहड़े सिक्ख्या प्रोवाइडर वॉलंटियर हैगे आ वो अपनी प्रॉपर डिटेल्स उत्थे फिल कर, ठीक है जी, यस है नो है उस अकॉर्डिंग तुसी कर देना है। नो है तो चलो तुहाडा PTET आ जाना है। हुण काफ़ी ज़्यादा जिहड़े कैंडीडेट्स हैगे आ 2010 तो बाद भी ठीक है काम करते पे आ, वो एज ए सिक्ख्या प्रोवाइडर और एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, तो उन्होंने ऑप्शन भी उत्थे फिलहाल यस ही करना। लेकिन अपॉइंटमेंट लैटर बाकी जिहड़ी एग्जम्पशन है उन्होंने नहीं मिली, इस करके उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर एग्जम्पशन नो करना है, ठीक है जी। और PTET के डिटेल वगैरह उन्होंने उत्थे शो करनी है। लेकिन जिहड़े 2010 या उस तो पहले दे अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने उत्थे यस करना है, प्लस अपनी एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने मिली है यस करना है, प्लस अपना अपॉइंटमेंट लैटर उन्होंने उत्थे अपलोड करना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार चेंज होया है फॉर्म के विच। फॉर्म के विच फ्रेंड्स कोई भी गलती ना करियो, स्पैशली जिहड़े नवें रजिस्टर करते पे ने, फोटो अपनी तुसीं सैल्फ अटैच्ड अपलोड करनी है फॉर्म के विच। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरन विच काली ना करियो। आ देख सकते हो नोटिस है साडे सामने है, तुसीं देख सकते हो पब्लिक नोटिस, इहदे विच दस्सिया होया 16 तरीक अते 17 तरीक दो दिन ये जिहड़ा पैनल है अंडर वर्किंग होना है, ठीक है जी। वैसे तो शाम के 5 बजे डिसेबल कर देंगे लिंक, बट मेरे अकॉर्डिंग हो सकता रात के 12 बजे तक ये लिंक इनेबल्ड है, बिकॉज टाइमिंग वगैरह इन्होंने नहीं दसी हुई। मिनटू से पूरे ढे को 48 घंटे है, 24+24, इस करके फॉर्म में बिल्कुल ध्यान दे नाल फिल करना है। कोई भी गलती ना करियो, चीज़ नहीं समझ लगती पूछ लो, ठीक है, कि अपने जोड़े ढे कलीग ने फिल किया वो हैल्प ले लो, लेकिन फॉर्म के गलती ना करियो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग एक बार फिर करैक्शन पैनल थोड़ा ओपन होना है, बट ये उन्ना ही मेरे अकॉर्डिंग कैंडीडेट्स ओपन होना है जिहड़े नवी रजिस्ट्रेशन करते पे ने, अते जिन्हां दी फीस लेट अपडेट हुई उन्हां दा भी फॉर्म अंडर करैक्शन है, बेशक वो लॉगिन करके देख लें, ठीक है जी। मैं किए से काफ़ी स्टूडेंट के फॉर्म लॉगिन जिन्हां ने आफ्टर इन्हां दे हुणे जिहड़े फिर तो ओपन होए सी पैनल सिक्ख्या प्रोवाइडर ते वॉलंटियर दे विच उन्हां रजिस्ट्रेशन कीती सी, उन्हां दी फीस कईआं दी थोड़ी लेट अपडेट हुई है तो उन्हां दी करैक्शन नहीं हुई सी, उन्होंने बाद विच करैक्शन कर ली सी। अदर कोई भी किसी भी तरह की तुसी प्रॉब्लम फेस करते पे हो अपने ऑनलाइन फॉर्म के विच, तुहाडी करैक्शन नहीं हो रही या अदर कोई भी फर्दर फ्यू क्यूरीज वास्ते जरूरी कोई ताडा डाउट है उन्होंने जरूर तुसी साडे नाल शेयर करो, जिन्ना हो सके मैं तुहानू जल्दी उहदा सल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से मैं सल्यूशन करता भी हैगा। फॉर मोर इनफॉर्मेशन वास्ते तुसी कमेंट सैक्शन देख सकते हो, बाकी जिहड़े साडी वीडियोज़ हैगे उहदे विच कमेंट्स तुहानू सारी इनफॉर्मेशन मिल जाऊगी कि मैं इत्थे प्रॉपर तुहानू इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या एवं हवा विच ही तीर मारदा रहना है। कोई यहाँ भी मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व करदा है जरूर कैंडीडेट मेरी वीडियो ते कमेंट करदा, उन्होंने कहना भी है सो दैट अदरस नू भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। बाकी लिटल बिट कोई गलती हो जाती कोई प्रॉब्लम नहीं, अज एक कैंडीडेट का मैंने कमेंट आया काफ़ी ज़्यादा परेशान सी कि मेरी सर ईमेल ID गलत होगी, सिर्फ तुहाडा मेन फोन नंबर से ही होना चाहिए, ईमेल ID का कोई इशू नहीं है, फोन नंबर हो गया तो बाकी जी ताकि एजुकेशनल प्लस ताकि बेसिक डिटेल्स है सारी सही होनी चाहिए है। आलसो जे मार्क्स वगैरह फिल किए होने वो सारे करैक्ट होने चाहिए, ठीक है जी।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਫੋਰਮ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਕਸੀਮਮ 10 ਦਿਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਿਉਂਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਅਦਰ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੋਰ ETT, ਫੋਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਫੋਰ ਫੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ETT ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਮਿਲੂਗੇ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੰਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਤੇ ਥਰਡ ਲਿੰਕ ਹੈ ETT ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ 37-0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਹੈ, 2364 ਇੱਥੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੈਕਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ETT ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੇਟ ਫਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਟ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ETT ਟੀਚਰਸ। ਸੋ ਇਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸੋ ਡੈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਕਿਊਰੀਜ਼। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਫੋਰ ਯੂਰ ਵੈਲੇਬਲ ਟਾਈਮ।